रात के 9 बज चुके हैं, वक्त भारत एट 9 का है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, आज बुधवार शाम का ये भारत एट 9 का प्रोग्राम कई मायनों में खास है। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हम एक अहम खुलासा करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा एक्सपोज है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट काफी है प्रशासन की पोल खोलने के लिए। इससे पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि इस तरह की रिपोर्ट करने से जब बाकी रिपोर्टर्स बचते हैं, कतराते हैं, तब न्यूज वर्ल्ड इंडिया के रिपोर्टर ने जान जोखिम में डालकर यह रिपोर्ट तैयार की, जिस पर हमने प्रशासन से सीधे सवाल किए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर के सुहेल देव वन जीव अभ्यारण्य से है। यहां से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि कैसे प्रतिदिन बेशकीमती सेखुआ, सीसम, सहगवान के सैकड़ों हरे भरे पेड़ हर रोज अधिकारियों की मिली भगत से काटे जा रहे हैं। रेहरा बीट, बेलभरिया बीट, फुडवलिया बीट, ऐसे तमाम बीटों में अवैध कटान जारी है। ये रिपोर्ट ऐसे नहीं बनती, इसके लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती। जब कोई भी न्यूज चैनल यहां नहीं पहुंच सका, तब हमारे रिपोर्टर ने वहां पहुंच ना सिर्फ जमीनी हकीकत बयां की है, बल्कि वहां मौजूद तस्करों को भी अपने कैमरे के सामने लिया और उनको बात करने के लिए राजी किया। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासन के बीच हलचल तेज हो गई है। जंगल विभाग के अधिकारी रिपोर्ट को देखने के बाद सख्ते में आ गए और हमारे कैमरों के सामने आने के बाद उन्होंने पूरी जानकारी दी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम इसके बाद अधिकारियों के पास पहुंचती है, उनसे बातचीत करती है और पूरी जानकारियां लेती है। लेकिन सवाल है कि जब रिपोर्टर का कैमरा उन तस्करों तक पहुंच सकता है, तब अधिकारियों तक ये बातें क्यों नहीं पहुंच पाती। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से, जैसे कि मैंने बताया कि प्रशासन के बीच हलचल तेज हुई, जंगल विभाग के अधिकारी रिपोर्ट को देखने के बाद दंग रह गए। बता दूं, वन जीव अभयारण्य जंगल भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ जंगल है। हमारे रिपोर्टर भारत नेपाल सीमा से सटे भावर रेंज के बेलभरिया बीट मोटरसाइकिल से पहुंचे। आपको बता दूं, पानी इतना भरा होता है कि वहां पर गाड़ी से जाना भी मुश्किल है। लेकिन टीम को जब बताया गया कि वहां पर कुछ ऐसी हलचल हो रही है, वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तभी हमारे रिपोर्टर वहां सिर्फ मोटरसाइकिल से ही पहुंच गए, और वो भी अकेले। जब खतरा आप नहीं समझ सकते, वो तस्कर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास हथियार हैं, उनके पास तमाम साधन हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा रिपोर्टर वहां पर पहुंचता है, आपके लिए रिपोर्ट तैयार करता है। जो कुछ तस्वीरें उन्होंने देखी हमारे रिपोर्टर ने, वो हैरान करने वाली है। रिपोर्टर मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट पहले आप देख लें। भारत नेपाल सीमा से सटे इस जंगल के बेलभरिया बीट से सटे रेहरा बीट का रुख किया गया। बरसात का मौसम था, जंगल में कच्चे रास्ते, काफी कीचड़ था, जाने लायक रास्ता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम उस जंगल में पहुंची और जंगल में बेशकीमती लकड़ियों के कटान को देखकर सब चौकन्ने हो गए। हम समझ चुके थे कि लुटेरे यहीं आसपास कहीं होंगे, हम समझ चुके थे कि तस्कर यहीं आसपास कहीं होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने पूरी रिपोर्ट की और इसके साथ ही हमने वहां पर जो चीजें थी आपको दिखाई। जो देख सकते हैं, मैं कैमरा सिखाऊंगा दिखाए, सेखुआ का अथाह यहाँ पे पेड़ है और इसी सेखुआ पेड़ को लकड़ी तस्कर जंगल के अधिकारियों की मिली भगत से काटते हैं और सीमा उस पार नेपाल ले जाते हैं। और इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। सुनसान जगह है और इस जंगल में नेपाल के तस्कर। इन तस्करों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, इनके पास असलहे भी थे। इन्होंने हमको रोक लिया। जब हमने इनको बताया कि हम मीडिया से हैं, तब इन्होंने हमसे कहा कि जल्दी चले जाओ वरना जान से मार देंगे। काफी मेहनतें करने के बाद और आई कार्ड कैमरा दिखाने के बाद, जब हमने इनसे कहा कि हमसे बात कीजिए, तब इन्होंने एक शर्त पर हमसे बात करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हमारा चेहरा मत दिखाइएगा, हमारी पहचान छिपा कर रखिएगा। और इसके बाद इन्होंने हमसे बात की, लेकिन इन बात बात में इन्होंने जो कुछ खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। उन खुलासों को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नेपाल के तस्करों ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम को साफ साफ बताया कि वन विभाग के अधिकारी, रेंजर राजकुमार मिश्रा, फॉरेस्ट गार्ड, वॉचर सब पैसा लेते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं जिनको देखभाल के लिए रखा गया है, वो सब पैसा लेते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कटान का काम चल रहा है, वो दरअसल तस्कर और अधिकारियों की मिली भगत है।
कहाँ रहते हो? कहाँ अभी कहाँ आए हो? जंगल में। लकड़ी तो कट रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये लकड़ी कहाँ जा रहा है? नेपाल जा रहा है। अच्छा, अधिकारी यहाँ पे कैसे कट रहा है? सब मिले हैं। और कौन कौन मिला है? वाचर मिले हैं, अधिकारी मिले हैं, जितना हाकिम मिले हैं, फॉरेस्टर मिले हैं, रेंजर मिले हैं। अच्छा, कौन मिला है? रेंजर। क्या करता है? पैसा डायरेक्ट लेता है, पेड़ कटवा। तो जिस तरह से हमको तस्करों ने बताया कि अधिकारी उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आज हमारे जंगल साफ होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया यहां भी दिखा। DFO प्रखर गुप्ता ना तो बाइट देते हैं और ना ही फोन उठाते हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। ऐसे में हमने DM श्रुति से बात की, लेकिन DM श्रुति ने भी 41 सेकंड की बातचीत में इस प्रकरण को लेकर कहा कि यह प्रकरण काफी सीरियस है और वो DFO से बात कर कार्रवाई की बात करेंगी। लेकिन ये गौर करने वाली बात एक बार फिर है कि DM क्या सिर्फ कार्रवाई की बात करेंगी या फिर असल में कुछ जमीन पर दिखेगा भी, या फिर जब तक कार्रवाई होगी तब तक हमारे जंगल साफ हो जाएंगे। ये बहुत ही सीरियस प्रकरण आपने संज्ञान में लेकर आया है। तुरंत इसमें जो नए DFO साहब आए हैं उनको उनके संज्ञान में लेकर आया जाएगा और जो भी इस पर विधिक कार्रवाई है वो जरूर करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जो फॉरेस्ट गार्ड वहाँ पे तैनात है उनके मिली भगत से कटाई हो रही और जब जांच में उनके खिलाफ पाया भी जाता है तो उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, उनको इधर से उधर कर दिया जा रहा है गोलमाल करके। संबंधित विभाग को अभी सूचित कर दिया जाएगा ताकि नियमानुसार जो भी दोषी पाए जाते हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, इसमें किसी भी तरह की ढिलाई होना स्वीकार्य नहीं। जी तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब सवाल उठता है कि जब हम पेड़ों को लगाने की बात करते हैं तो ये काटने वाले कौन लोग हैं, और ये रेंजर जिसका इस पूरी घटना में नाम सामने आ रहा है इसको अभी तक हटाया क्यों नहीं गया, और ये तस्कर अगर इनके पास तक कैमरे पहुंच सकते हैं तो पुलिस इनके पास तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जांच होनी चाहिए कि आखिर ये खेल कब से चल रहा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। हम अपने जंगलों को यूं ही दम तोड़ते नहीं देख सकते। जब ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों में हमने लोगों को मरते हुए देखा तब ऑक्सीजन के बारे में हमको पता चला कि ये कितनी बेशकीमती है। सांसें लेना आसान है लेकिन एक सांस भी अगर छूट जाए तो वो जिंदगी कितनी कीमती है ये बयां करती है। और ऑक्सीजन के फलसफे में ये जो मैं हवाले से जो आपको रिपोर्ट बताई इसका सीधा सीधा केंद्र बिंदु ऑक्सीजन है। जब पेड़ों को लगाने की बातें होती हैं, जब तमाम अधिकारी पहुंचते हैं जंगलों के बीच, एक पेड़ लगाते हैं और तमाम तस्वीरें खिंचाते हैं और आपके सामने उनको दिखाते हैं, तब क्यों नहीं वो इस तरह की रिपोर्ट भी आपको दिखाते कि हमारे बीच जंगल काटे जा रहे हैं, तस्कर और अधिकारी मिली भगत से इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी तमाम रिपोर्टों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। भारत एट 9 में कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।